ये है गुजरात का सबसे खतरनाक दरिया किनारा चोरवाड़। जितनी खतरनाक इसकी लहरें दिखती हैं, उससे भी खतरनाक हादसे यहाँ पर हो चुके हैं। चोरवाड़ वैसे तो गुजरात के जूनागढ़ से महज 68 किलोमीटर दूर है और वेरावर से सबसे नजदीक पड़ता है। चोरवाड़ की ये लहरें वैसे तो आपको खुद ही बता देगी कि इस दरिया में कितना करंट रहता है। वैसे सही में देखें तो यह समंदर किनारा जितना कुदरती तरीके से खतरनाक है, उससे कई ज्यादा सरकारी लापरवाही के चलते और ज्यादा डेंजर हो चुका है। वैसे इस समंदर किनारे पे आपको दूर दूर तक कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पर आप सेफली बीच का आनंद ले सकें। आपको लग रहा होगा कि ये बीच में आखिरकार कुंड जैसी जगह क्या है। एक्चुअली ये स्विमिंग पूल था। जी हाँ, आपको आश्चर्य होगा कि जहाँ पर कोई सेफ बीच नहीं है, उस जगह पर कुंड किसने बनवाया। तो मैं आपको बता दूँ कि जूनागढ़ के नवाब महाबत खान तीसरे ने अपनी समर ट्रीट के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैलेस बनवाया था। हालांकि ये पैलेस अब अभी भी चोरवाड़ के समंदर किनारे पे देख सकते हैं, और इसी पैलेस से सटा हुआ ये है स्विमिंग पूल जहाँ पर वो समर ट्रीट के लिए आया करते थे। हालांकि चोरवाड़ का ये बीच पहले से इतना डेंजर नहीं था। यहाँ पर भी समतल दरिया किनारा हुआ करता था जिसपे के लोग आके स्विमिंग का और यहाँ पर सहलगा का मजा उठाया करते थे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि 1930 में महाबत खान तीसरे ने यहाँ पर इतना बड़ा महल बनवाया और बहुत ही बड़ा पिकनिक स्पॉट भी तैयार करवाया था। वो जानते थे कि समर ट्रीट के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी है, लेकिन वक्त चलते इंडिपेंडेंस के बाद भी 1970 तक यहाँ पर ये महल ऐसा ही रहा। 1970 में गुजरात टूरिज्म के द्वारा यहाँ पर हॉलीडे कैंप की स्थापना की गई और टूरिज्म को डेवलप करने के प्रयास किए गए। हालांकि ये प्रयास ज्यादा साल तक कारगर साबित नहीं हुए। सरकार ने टूरिज्म को विकसित करने के लिए यहाँ पर रहने खाने पीने की तो सहूलियतें कर दी, लेकिन सेफ्टी के नाम पर कोई भी प्रकार के सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए गए। बहुत सारे हादसे ऐसे भी हुए जिसके चलते लोगों ने यहाँ पे आना कम कर दिया और हॉलीडे कैंप धीरे धीरे बंद होने की कगार पे आ गया। नवाब के इस महल में बेशकीमती झूमर और दूसरे कई सामान रखे गए थे, लेकिन समय रहते वो भी चोरी हो गए। आखिरकार इस हॉलीडे कैंप को बंद करना पड़ा। हालांकि इस हॉलीडे कैंप को बंद करना ही एक बहुत ही उचित और समझदारी पूर्वक निर्णय था, क्योंकि जहां पर बीच ही सेफ ना हो, जहां पर आए दिन बहुत ही खतरनाक हादसे रहते हो, वहां पर टूरिज्म को डेवलप करने का फायदा ही क्या है। हालांकि एक बात ये भी है कि शायद जूनागढ़ के नवाब को यहाँ के रॉकी सरफेस का कोई अनुभव हो चुका होगा, इसी के बदौलत उनको यहाँ पर एक स्विमिंग पूल बनवाना पड़ा ताकि वो और उनका परिवार यहाँ पर आराम से दरिया किनारे का मजा ले सके। हालांकि अब तो ये स्विमिंग पूल और यहाँ का ये महल सिर्फ जूनागढ़ के नवाब की दी गई याद ही बन गया है।